लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैनेन्द्र के पास चलते हैं, दिल्ली। जैनेन्द्र, क्या तस्वीरें हैं? चित्रा, जैसा मैं बता रहा था आपको, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं राजघाट। अब से महज कुछ सेकंड पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं और अब वो सीधा अंदर जा रहे हैं। वहां जो आपको मीडिया का हुजूम नजर आ रहा है, दरअसल उसके बीच में राहुल गांधी है। सेकंड भर पहले वो यहां पर पहुंचे हैं और सीधा तस्वीरों में आपको नजर आएंगे रणदीप सुरजेवाला और नेता नजर आएंगे। पीछे देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें, संभवतः दर्शकों को नजर आ रही होंगी। राहुल गांधी सीधा अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी राजघाट जहां पर की बापू की समाधि है वहां सीधा जा रहे हैं और उनके साथ में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, जो लोग यहां मौजूद हैं वो सभी राहुल के साथ में हैं। और राहुल गांधी की तस्वीरें, पहली तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटने के बाद। राहुल गांधी पहुंचे हैं, बीती रात वो दिल्ली पहुंचे और 8:30 का कार्यक्रम बताया था सूत्रों ने और लगभग 8:38 के आसपास राहुल गांधी का काफिला जो है वो राजघाट पहुंचा। और फिलहाल राहुल गांधी राजघाट के अंदर में बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू की समाधि को नमन करने के लिए अंदर है राजघाट परिसर के अंदर में। राहुल गांधी इस वक्त जा रहे हैं और फिलहाल वो परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। जैसा कि चित्र आपको याद होगा कि 31 अगस्त को राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे और उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बैठक की थी और संभवतः उसी बैठक में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो उन्होंने अपने नेताओं को दिया था और उस पर तैयारियां की जा रही थी। उसके बाद कुछ दिनों पहले कांग्रेस के महासचिवों की बैठक हुई थी जिसके बाद आज के कार्यक्रम का ऐलान किया गया था। हालांकि तब तक ये सस्पेंस था कि क्या राहुल गांधी तब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो 12 तक पहुंचेंगे, यानी 12 सितंबर तक पहुंचेंगे। और कल शाम जो हम लोगों को खबर मिली थी वो ये मिली थी कि यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रदर्शन में शामिल होंगी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन देर रात ये जानकारी सामने आई कि राहुल नेपाल से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर पहले सूत्रों ने कंफर्म किया कि हाँ वो आ चुके हैं और राजघाट भी पहुंचेंगे और अब वही तस्वीर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कांग्रेस के भारत बंद के विरोध प्रदर्शन में, जो मुख्य विरोध प्रदर्शन दिल्ली के राजघाट पर हो रहा है वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और फिलहाल तमाम नेताओं के साथ वो राजघाट परिसर के अंदर मौजूद है। हम आपको बाहर से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें आपको मिल रही होंगी। राहुल गांधी फिलहाल अंदर में मौजूद हैं और उनके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम बड़े अहम सदस्य, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के कई सारे नेता जो है वो अंदर मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। और ये सभी नेता फिलहाल महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट पर, और राजघाट दरअसल महात्मा गांधी की समाधि है, ये तो पूरा कैंपस है अंदर जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, जहां पर नेता जा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं महात्मा गांधी को जब भी कोई नेता राजघाट आते हैं। फिलहाल राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं जहां पर कि वो महात्मा गांधी की समाधि को पुष्प अर्पित करेंगे, परिक्रमा की जाती है समाधि की जैसी परंपरा है। और इसके बाद हमें जो जानकारी मिली है कि सारे नेता जो है वो बाहर निकलेंगे और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सभी नेताओं का ये जो काफिला है वो एक मार्च की शक्ल में निकलेगा रामलीला मैदान की तरफ। और रामलीला मैदान के पास में एक बड़ा पेट्रोल पंप है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसी पेट्रोल पंप पर मुख्य प्रदर्शन होगा दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में। और वहां तकरीबन अभी फिलहाल 8:45 बज रहे हैं, 9 बजे के आसपास संभवतः ये लोग मार्च की शक्ल में यहां से निकलेंगे। 9 बजे से ही भारत बंद की कॉल भी दी है, भारत बंद का आह्वान भी किया हुआ है कांग्रेस ने 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। 9 बजे ये लोग यहां से निकल सकते हैं रामलीला मैदान के पास में जो पेट्रोल पंप है, पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग सकता है, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है लेकिन भीड़ की वजह से आधा घंटा लग सकता है। और वहां 10 बजे के आसपास यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी वहां पर पहुंच सकती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच सकते हैं जो सूत्र में बता रहे हैं 10 बजे के आसपास। और उससे पहले देखिए यहां पर सुरक्षा घेरा जो है, पुलिस को भी शायद अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, एसपीजी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है और राहुल गांधी के मूवमेंट से पहले सुरक्षा घेरा काफी मजबूत कर दिया जाता है, लेकिन वैसा कुछ सुबह राजघाट पर नजर नहीं आ रहा था। और अब देखिए जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये देखिए पुलिसकर्मी जो है वो यहां पर
जैनेन्द्र आपका मैं रुख करूंगी, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, इनका इसलिए भी आज यहां पर पहुंचना, इस प्रदर्शन में शामिल होना जरूरी था क्योंकि नेतृत्व राहुल गांधी का ही है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ती है और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर देखिए पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष। पहले से तय कार्यक्रम, मीडिया को ब्रीफ नहीं किया गया था, अचानक से ही पहुंचे राहुल गांधी, उनके साथ गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत, कांग्रेस के ये दिग्गज नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आनंद शर्मा भी पीछे हैं। और इस तरह से महात्मा गांधी की समाधि को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हुए राहुल गांधी, आपको बता दें कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि आधिकारिक तौर से यह नहीं बताया गया था कि वो कब लौटेंगे, 12 तारीख माना जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी लौट आए हैं और ये आज की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे राजघाट से। गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, कुमारी शैलजा, ये तमाम नेताओं की इस वक्त मौजूदगी। आनंद शर्मा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जाहिर तौर पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद राहुल गांधी के सामने चुनौती अब इस बात की है कि वो आज के इस भारत बंद को सफल बनाए। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जैसा कि पूरे कार्यक्रम की बात कही गई थी, और ये देखिए समाधि स्थल की परिक्रमा करते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके साथ तमाम बड़े नेता। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सिकुड़ती चली जा रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो उसको न सिर्फ विस्तार दें बल्कि अब तो तकरीबन 9 महीने बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में, ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं राहुल गांधी, इससे भी उन्हें पार पाना होगा। शरद यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, बिहार के बड़े नेता, मनोज झा आपको दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता, इन सब समर्थन उन्हें प्राप्त है। शरद यादव जो कि जेडीयू में थे, बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बिहार में बना ली, और इस तरह से राहुल गांधी को मजबूती देने की कोशिश इन तमाम नेताओं की ओर से की जा रही है। सभी लोग इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं, जितने भी बड़े चेहरे आपको दिखाई देते हैं भारतीय राजनीति में। और आपको यह भी बता दें, सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है, कैलाश मानसरोवर से लाया गया जो जल है, पवित्र जल जिसे माना जाता है, उसको राहुल गांधी ने यहां पर महात्मा गांधी को अर्पित किया है। जब वो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे उस वक्त जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, कैलाश मानसरोवर से जल लेकर आए थे राहुल गांधी और वो महात्मा गांधी को उन्होंने अर्पित किया है। जैनेन्द्र के पास हम चलेंगे, फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कैलाश मानसरोवर झील का जल लेकर राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए थे, उसकी तस्वीरें भी अपने ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी ने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लोगों को ये बताया था कि देखिए कितनी खूबसूरती है कैलाश मानसरोवर की झील की। फिलहाल बड़ी जानकारी, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, समाधि पर राहुल ने कैलाश की झील का जल चढ़ाया है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको जानकारी दी, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमें, और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, कहा जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर झील का जल लेकर वो यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर यह जल अर्पित किया है। जाहिर तौर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और उसके बाद उनकी पहली चुनौती इसी रूप में है कि वो आज के इस भारत बंद को सफल बनाए। ये देखिए जेब से उन्होंने निकाली एक छोटी सी बॉटल और उसके बाद उसमें जो जल था वो अर्पित करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये जल कैलाश मानसरोवर में जो झील है वहां से ये जल लेकर आए और इस तरह से उन्होंने अर्पित किया, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से, चूंकि अक्सर हमने देखा है राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, चाहे वो राहुल गांधी इसके पहले जाते रहो या कोई भी बड़ा नेता, हमेशा पुष्पांजलि वहां पर अर्पित की जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार कम से कम हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जब इस तरह से जल वहां पर अर्पित की जा रही हो। और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जिस झील की तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, हो सकता है उसी झील का ये जल हो जो इस वक्त वो अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी के इस समाधि स्थल पर। एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में लौटते हुए आपको बता दें 2019 के इलेक्शन में तकरीबन 9 महीने का वक्त है, ऐसे में राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती इस रूप में है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करें, वो भी इसके लिए विपक्षी एकजुटता कितनी ज्यादा है आज उसका परीक्षण होना है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा इस बात का किया गया है कि 21 दलों ने समर्थन का
वादा किया है। फिलहाल राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटने के बाद आज देखिए सबसे बड़ा इम्तिहान जिसके लिए निकल चुके हैं वो। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचकर बापू को नमन किया, उन्हें पुष्प चढ़ाए और उसके बाद उन्हें कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान जो झील का जल लेकर वो आए थे वो जल भी उन्होंने अर्पित किया, ऐसा माना जा रहा है। दाहिनी तरफ रणदीप सुरजेवाला आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के, और इस तरह से इस आज के कार्यक्रम भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं की ओर से की जा रही है। देश भर में इस वक्त एनडीए बीजेपी के 19 राज्यों में सरकार है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के सामने चुनौती इस बात की है कि न सिर्फ बीजेपी के दायरे को छोटा किया जाए बल्कि कांग्रेस का विस्तार किया जाए। शायद यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम भारत बंद का जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। फोन पर उन्होंने बातचीत भी की है। यहां पर गुलाम नबी आजाद किसी बात को लेकर मुस्कुराते हुए, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने फोन पर किसी से बातचीत की है। और इसके बाद यानी कि अब से तकरीबन 13 मिनट के बाद 8:47 हुए हैं। 9 बजे से जो औपचारिक कार्यक्रम जिसके बारे में जानकारी दी गई थी मीडिया को कि 9 से 3 बजे तक ये भारत बंद रहेगा, उसके बाद ये औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। जैनेन्द्र कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजघाट से। जैनेन्द्र, कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो जल अर्पित किया है महात्मा गांधी को राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की झील से वो लाया गया था, इस बारे में क्या जानकारी मिली है आपको? जी हाँ, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत निकले हैं राजघाट के बाहर और उनसे पूछा कि ये जो जल चढ़ाया राहुल गांधी ने वो जल कहाँ से वो लेकर आए थे, क्या कैलाश मानसरोवर से लेकर आए थे? तो उन्होंने पुष्टि की है कि हाँ, केवल जल ही नहीं बल्कि संभवतः वहां से वो कोई पत्थर का टुकड़ा भी लेकर के आए थे राहुल गांधी। हालांकि अभी विजुअल में फिर से चेक करना होगा कि वो चीज आखिर क्या थी, लेकिन जल के अलावा कोई एक और वस्तु, संभवतः पत्थर का टुकड़ा राहुल गांधी ने गांधी जी की समाधि पर चढ़ाया है। और अभी भी राहुल गांधी अंदर ही मौजूद हैं, उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है वहां पर गेट से बाहर निकलने का। कुछ कांग्रेस नेता निकलना शुरू हो चुके हैं और जैसी जानकारी हमने दर्शकों को दी थी थोड़ी देर पहले कि 9 बजे के आसपास ये मार्च करना यहाँ से शुरू करेंगे ये लोग, तो अब मार्च की तैयारी की जा रही है। पुलिस रास्ता बना रही है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अब काफी कड़ी कर दी गई है क्योंकि राहुल गांधी का मूवमेंट हो गया है और थोड़ी देर में अब ये सारे नेता जो है वो मार्च की शक्ल में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी भी राजघाट परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और संभवतः जब सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा इसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल बाहर में सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है, एक गलियारा सा बनाया जा रहा है और एक एक मीडिया कर्मियों को एक तरफ किया जा रहा है और मार्च के लिए रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है। अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं और ये देखिए आपको अगर हम दिखाएं कि ये राजघाट के बाहर की तस्वीरें हैं, ये जो सफेद पैंट शर्ट में आप लोगों को देख रहे हैं सफेद टोपियों में, ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं जो हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है उस पर भारत बंद से जुड़े हुए नारे लिखे हुए हैं। और इसी गलियारे के बीच में से राहुल गांधी जो है, इसी रास्ते के बीच में से राहुल गांधी निकलेंगे और तमाम नेताओं के साथ जो है ये लोग मार्च करेंगे। जहां तक ठीक है जैनेन्द्र, मैं दोबारा आपका रोक करूंगी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता अशोक गहलोत ने इस बात को कंफर्म किया है एबीपी न्यूज से बातचीत में कि जो जल अर्पित किया गया है महात्मा गांधी को कैलाश मानसरोवर की झील से हिलाया गया वो जल था जिसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये जल अर्पित किया है। ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ गोविंद बल्लभपन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, हिंदू धर्म में अगर कोई पवित्र स्थान है वहां से लाए गए जल की क्या महत्ता होती है और इस तरह से क्यों अर्पित किया जाता है? गोविंद बल्लभ जोशी जी, इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। जी, हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जल का तो सब जगह महत्व है ही है और हमारे यहाँ तो विशेष महत्व है मैडम, और लेकिन इसके एक विधान भी है, जल से वहाँ से लोग जल लाते हैं घर पर रखते हैं और उसकी एक बूंद भी हमने बाल्टी में रख दी तो पूरा ही मानसरोवर माना जाता है, क्योंकि मानसरोवर जो है कैलाश की तलहटी में है और मानसरोवर के पूरब से ब्रह्मपुत्र और पश्चिम से सिंधु और अन्यान्य समस्त नदियों का प्रवाह अंतर सलीला होकर के हिमालय से भारत की ओर भी है, चाइना की ओर भी है। तो जितना महत्व तो हिंदुओं के लिए है उतना ही बौद्ध संतों के लिए और उनके लिए है। जैसे हम वहाँ हम भगवती पार्वती कहते हैं तो वो डोलमा कहते हैं। अभी वहाँ की यात्रा में जो लोग गए, आपके विजय जी भी मुझे दिखाई दे रहे थे, कल आ रहा था प्रोग्राम, तो भगवती को डोलमा कहा जाता है। शंकर का वो धाम है वो सबके लिए आदरणीय है, वहाँ के जल का जो महत्व है बहुत महत्व है, उसे लोग छिड़कते हैं, अमृत की तरह पान करते हैं
लेकिन इसमें अभी मुझे ये भी कहा थे कि वहाँ से पत्थर का टुकड़ा, और हमारे यहाँ एक चीज और है कि वहाँ से अन्य कास्ट है, पत्थर है, इनका लाना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि उससे पर्यावरण की कमी न हो। जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते तो वहाँ से पत्थर भी हो तो उसी की ओर फेंक देते हैं। केवल जल का ही महत्व है, जल बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद जी, आपने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन अक्सर हमने हिंदू धर्म में ये भी देखा है, अगर कहीं पर भगवान शिव का पवित्र स्थान है और वहां से पत्थर लेकर लोग आते हैं तो फिर माना जाता है कि भगवान शिव का ही वो प्रतीक होते हैं। कई लोग लाकर उसको मंदिर में रखते हैं, कई लोग अपने हिसाब से जैसे जिसकी भावना रहती है उसके हिसाब से उसे पूजते हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी भी वहां से पत्थर लेकर आए और फिर महात्मा गांधी की समाधि पर रख दिया है, इसके क्या मतलब? मैडम, मामला ये है कि इस विषय पर हम राजनीतिक रूप से तो हम धर्म के लोग हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के आधार पर हमारे यहाँ का शिवलिंग केवल नर्मदा से आए हुए शिवलिंग ही स्थापित किए जा सकते हैं, और नर्मदेश्वर की उनकी प्रतिष्ठा होती नहीं है। अन्यथा अन्यत्र से ला करके शंकर कंकर शंकर है, कंकर में शंकर की अनुभूति उनका आह्वान किया जाता है। अगर मैं समझता हूँ यहाँ के किसी भी पत्थर में अगर वो कैलाश का जल चढ़ा देते तो उसमें शिव की प्रतिष्ठा हो जाती। हमारे यहाँ पत्थर कंकर ऐसे जगह से लाना वर्जित है, केवल नर्मदा से ही लाए जा सकते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।